प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाबूजी, अरे मिल जाएंगे। अरे वो है। बाबूजी वाह, देखा देखा बबीता जी, आपने बोला और बाबूजी आ गए। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो ऐसा आदमी खींच के चला आता है। बेटा भाई, अब ज्यादा मत खींचिए, चलिए बाबूजी आ गए। आइए आइए बाबूजी। कौन बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी आप आ गए। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी किधर गए आप? अरे बाबू चट, टाइम पे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे बाबूजी, मैं आया था स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन क्या थोड़ी जल्दी आ गई और आपने वेट नहीं किया, मेरा पहले ही निकल आए, तो हम दोनों क्या क्रॉस हो गए। कितना ढूंढा मैंने बाबूजी आपको। आइए नीचे उतरिए, आइए। अरे पहले इसका पैसा तो दे दे। बाबूजी आप नीचे उतरिए, मैं देता हूँ उनको पैसा। आइए आइए, हाथ दे तेरा, जरा छोटी भाई जरा हाथ देना, संभाल के तेर लो बाबूजी आपको। अरे वाले ले, संभाल के बाबूजी। हाँ ले भाई, चलो चलो चलो, निकल निकल निकल, चलो बाय बाय। जाने दो, मारो टर्न मारो। आइए बाबूजी। अरे रुक, मेरा बेटा किधर है? आपका सामने तो खड़ा है। अबे ठूप लेने बाबू चक, तू तो असल है, मैं तो ब्याज की बात कर रहा हूँ। बापूजी आपने मुझे बड़ा किया, उसका ब्याज वसूल करेंगे मुझसे? अरे चुप रहने गधेड़ा, तुझे पैसे के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे मैं टप्पू की बात कर रहा हूँ। टप्पू किधर है? बापूजी, मेरी कमर टूट गई। कैसे? अरे टप्पू को उठाने गया, उसमें मैं बैठ गया। टप्पू बाबूजी बोलो। अरे कुछ कर, मुझे घर पे लेके जा। उठा 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 उठा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? अरे मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। अरे तो बिना हाथ लगाए आपको पहले मल्ले घर पे कैसे ले जा सकते हैं बाबूजी? अरे बाबू चक, ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं ले सकता था? तब मुझे पता नहीं था ना आप इस तरह गिर जाएंगे बाबूजी। अब क्या करें मेहता साहब? ओए पापा जी, ओए पापा जी। अरे मुझे एक आइडिया आया। नहीं। अरे जेठालाल सुन तो लो यार पहले। बापू जी आपने क्यों उठाने गए आप टप्पू को? अरे ये सरदार ने अपने बच्चे को उठाया तो मैं भी हरक पर थोड़ा होके इसको उठाने गया। जल्दी जल्दी जल्दी। जेठा ये क्या है? स्ट्रेचर है। अरे इसमें आपको लिटाएंगे और ऊपर छोड़ के आएंगे ना। अरे यार ये सोड़ी भी, चलो अभी बैठा जो है यही है अभी। बापू जी राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम? बोलो भाई राम। देखो मजा का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़, वरना सचमुच का राम बोलो भाई राम हो जाएगा। अरे भाई ये क्या जेठा भाई यार, चलो यार वैसे ही वजन बहुत है यार। अरे लेकिन ये कोई तरीका है? ऐसे ये लोग सोसाइटी वाले मजाक करते हैं, ऐसे टाइम पे राम बोलो भाई राम बोलते हैं। क्या हुआ ये? अब क्या हुआ? बापूजी इस घर में पहली बार आ रहे हैं, तो घर के रिवाज के मुताबिक उनकी आरती तो उतारने दीजिए। चलो जल्दी करो जल्दी करो। आइए पधारिए मेरे ससुर जी। अरे गाना गाना बंद करो, जल्दी करो।
बगलाली बहू हो तो ऐसी हो। बापूजी, बापूजी को जरा नीचे लाइए ना। अभी क्या, एक एक काम करते हैं बेटा साहब, यहाँ से थोड़ा नीचे करो, छोटे भाई उधर से थोड़ा ऊपर करो, धीमे धीमे धीमे, आराम से धीमे। लोगों ने बापूजी की स्थापना गलत दिशा में की है। हाँ, स्थापना तो हमेशा पूर्व दिशा तरफ ही होनी चाहिए। अरे बापूजी मूर्ति थोड़ी है दया। वो जो भी हो, बापूजी को उठाओ, घुमाओ और सही दिशा पर बैठा दो। तो पहले बोलना चाहिए ना, जब ही सब लोग थे, अभी हम दोनों कैसे उठा के चेंज करेंगे। नहीं, मैं हूँ ना, मैं हाथ दूंगी। हाँ चलो, क्या रिवाज हो, रिवाज होता है ना। सॉरी हाँ, थोड़ी भाई थोड़ा उठा लो। उठाओ अंडे 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 अंडे, बस रखो रखो। अरे रुको रुको रुको, अब क्या हुआ। अरे पूर्व दिशा तो ये तरफ है। ओ सॉरी सॉरी भाई, उस तरफ ले लो। रुको, अरे अभी क्या हुआ। अरे बापू जी का मुँह पूर्व दिशा तरफ होना चाहिए। वो तो कब तुम बोलोगी। सॉरी भाई, इस तरफ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, पापा यहाँ से दादाजी को टीवी भी दिखेगा। यार इतना भार को अब तो मेरा भी हाथ दुख रहा है। अरे वाह बापूजी, आप शास्त्रीय संगीत तो बहुत अच्छे गाते हैं। अरे दया, बापूजी शास्त्रीय संगीत नहीं गा रहे, उनको दर्द हो रहा है। ओ सोढ़ी साहब, क्या आप भी ऐसे कचरा फेंकते, ऐसे अपनी सीढ़ी नीचे फेंक दी। अरे हाथ दुख रहे थे जेठा भाई, अब बाबूजी इतने भारी हैं, अरे बिल्कुल साइकिल जैसे लगते हैं, लेकिन हैं पूरे ट्रक अपने। सॉरी भाई, आपने बापूजी को उठाया है, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी से जल्दी उठा ले। अरे थैंक्स। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है। बापूजी गांव से आते वक्त बच्चू काका को लेकर आना चाहिए था ना। अरे दया, इधर बापूजी की हालत तो देखो, और इस वक्त तुम्हें वो बीड़ी पीते हो, तुम्हारे बच्चू काका याद आ रहे। मेरा मतलब है कि बच्चू काका वैद है, तो साथ में आते तो इलाज करते ना। तभी बापूजी को थोड़ी पता था दया कि मुंबई आते उनकी कमर लचक जाएगी। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला। बापूजी ये सब टप्पू की वजह से हुआ है, तेरी गलती है, और नहीं तो क्या। अरे बापूजी तुझे उठाने गए तो तुझे बोलना चाहिए ना बापूजी को कि मुझे मत उठाओ बापूजी, मैं अभी नन्हा किकला नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आपकी कमर लचक जाएगी। टप्पू कभी गलती नहीं करता। चुप रे, हर बार नहीं करने वाले काम करता है तू। ओके, कल से टप्पू स्कूल जाने का काम नहीं करेगा। एक लफड़ा लूंगा, नालायक ऐसी बात करेगा तो। अरे जेठिया खबरदार, जो मेरे टप्पू को डांटा तो। अरे जेठा किसी डॉक्टर को बुला। बापूजी डॉक्टर हाथी अभी आते ही होंगे। अरे ये लो आ गए डॉक्टर हाथी। अरे आ गए आ गए। हाथी भाई आप बापूजी की सारवार कीजिए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बापूजी आप तो कड़क मसाला वाली चाय और खारी लेंगे, बराबर। सॉरी भाई आप क्या लेंगे। मैं तो लस्सी पीऊंगा। मेरे लिए दोनों ठीक है। अरे दया तुमने क्या इधर होटल खोल रखा है, जो ऑर्डर ले रही हो, जो दोगी वो खा लेंगे ये बिचारे, है ना, बराबर है ना। पापा जी। हाँ। जाओ जाओ जाओ। अरे इतना दर्द तो गांव में भैंस ने जब लात मारी थी तब भी नहीं हुआ था। अरे हाथी अंकल, दादाजी को जल्दी चेक कीजिए ना, उनको दर्द हो रहा है। आप अपने बाबूजी को ऊपर लेटाइए। अरे यहाँ मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम लेटने की बात कर रहे हो। मैं बाबूजी को गोली दे देता हूँ। अरे लीजिए बाबूजी, ये गोली ले लीजिए। नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगा। आप ही खिलाइए उनको। बापूजी देखिए, वो हाथी भाई की कोई दवा कड़वी होती ही नहीं है। बापूजी खा लीजिए गोली, ऐसा मत की, खा लीजिए गोली बापूजी। ये क्या किया बापूजी, मेरी उंगली क्यों काट ली। तू जानता है ना मैं गोली नहीं खा सकता, मैं बंदूक की गोली खा सकता हूँ लेकिन ये गोली नहीं खा सकता। तो खिला दो ना बंदूक की गोली। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे देता हूँ। लाइए वो गोली वापस कीजिए। हाँ। अरे
मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अरे मैं चाकू खा सकता हूँ, इंजेक्शन नहीं खा सकता। अभी इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा बाबूजी। टप्पू तू दादाजी को समझा, शायद तेरी बात मान ले। दादाजी इंजेक्शन ले लीजिए ना। नहीं, आपको मेरी कसम। टप्पू डॉक्टर अंकल दे दीजिए। हाँ। लाइए, आपका हाथ आगे कीजिए। अरे अरे वो भाई तो ऊपर करो। आप बीच में मत बोलिए, इसमें मेरी मास्टरी है, समझे? देखा दर्द हुआ नहीं ना? पिचकारी बाहर उड़ रही है। अबे आती दर्द कहाँ से होगा है? तू इंजेक्शन कपड़े में मार रहा है। अरे ये तो कपड़ा सी रहा है। ये डॉक्टर है क्या दर्जी? अरे इसे तो इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता है। ओ डॉक्टर राजी, आप रहने दो। एक आइडिया। नहीं। हाँ। मुझे लगता है चाचा की हड्डी हिली हुई है, उनको एक तरीके से जोर जोर के हिलाएंगे ना, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अरे गांव में हमारा एक घोड़ा ऐसे ही गिर गया था, तो हमने उसका ऐसे हिला डुला के इलाज किया था। अच्छा चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। अरे हाँ देखो इससे कितना फायदा होता है। मैं यहाँ पैर से पकड़ता हूँ, आप पीछे से इनको उठाइए। और हो गया बाबूजी फिट एकदम। अरे तेरा सत्यानाश हो। सोडी भाई आप बापूजी को ठीक कर रहे हो या ठिकाने लगा रहे हो? बापूजी आप मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल चलिए, मेरी खातिर नहीं तो टप्पू के खातिर चलिए। ठीक है ठीक है, मैं थेपला अचार और खाखरा साथ में ले लेती हूँ। दया हम लोग पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मेरी बात। अरे क्या मेरी बात? मास्टर जी आ गए। अब कंधा देने के लिए हमें चार लोग मिल गए। अरे कंधा नहीं सहारा। नमस्कार चाचा जी, जैसे ही आपके प्रॉब्लम के बारे में पता चला हम तुरंत चले आए। बहुत तकलीफ होती होगी ना चाचा जी? एक बार मेरे मामा को भी ऐसी तकलीफ हुई थी, कमर में मोच आ गई थी, बस उन्हें अस्पताल ले गए। फिर क्या, वहीं से चलो बसे, घर आए नहीं। हॉस्पिटल कैंसल, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अरे क्या बताऊं चाचा जी, मेरे दूसरे मामा को भी सेम प्रॉब्लम, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था, मुश्किल से बचे लेकिन घर आ गए। देखा बापूजी अब तो चलिए हॉस्पिटल। लेकिन घर पर आते ही चल बसे। हॉस्पिटल कैंसल, बापूजी भले जिंदगी भर इस तरह तड़पते रहे पर बापूजी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अरे क्या तुमने मामा मामा लगा रखा है भीड़े, हमने मान मान बापूजी को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार किया और तुमने इधर दो मामा को मार दिया। बापूजी आप इसकी बात मत सुना, ये सोसाइटी का नंबर वन फेकू है। हम लोग निकलते हैं। अरे क्या भीड़े बहन, घर पर आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइए। कोई जरूरत नहीं है, ए, चल गा, चल। हाँ जाओ जाओ, तू होटल खोल होटल, सबको खाना खिलाने का शौक है तुझे। बापूजी क्या करूँ आप बोलिए। अरे एक आइडिया आया, वो बबीता जी है ना, उनको कुछ एक्यूप्रेशर कुकर का कोई इलाज आता है। अच्छा, अरे बबीता जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक मिनट बापूजी, स्पीड डायल में ही है उनका नंबर। हाँ बबीता जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, आप अभी कभी मेरे घर आ सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब घर पे सभी है, दया है, अपने डॉक्टर हाथी है, सोजी भाई है, बापूजी है और टप्पू है, सब है। वो क्या है, वो नहीं, नीचे बापूजी को थोड़ी कमर में लचक आ गई थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और सोजी भाई बोल रहे थे आपको कुछ एक्यूप्रेशर आता है, तो जरा बापूजी का वो जो कमर है देख सकती है आप? ओके। वैसे आपने मुझसे छुपाया है, बताया नहीं कभी मुझे कि आप वो एक्यूप्रेशर। हेलो
आ रही है वो। अब ये बबीता क्या करेगी? अरे बापू जी, बबीता जी वो एक्यूप्रेशर जानती है। हाँ। तो वो आपके कुछ पॉइंट्स दबाएगी और अरे ये लो आ गई बबीता जी। आई आई बबीता जी। ये बापू जी ये वो बोला ना मैं पीठ में वो जो देखिए ना जरा क्या हुआ जी। पॉइंट मिल गया लगता है। बबीता जी ये बापू जी का हो जाए बाद में जरा मेरा भी कंधा देख लेंगे। तो क्या रोज सुबह उठता हूँ ना तो ये राइट साइड का कंधा है ना बहुत दुखता है, पता नहीं उसका क्या कारण हो सकता है। आपका दर्द मैं बाद में देखती हूँ। कोई बात नहीं मैं वेट करता हूँ। ओए मैं ठीक कर दूँ? आप बबीता जी है? ओए पापा जी, ओए पापा जी। वो बोल रही है वो देख लेंगे। आप क्यों इतना उत्साह दिखा रहे हैं भाई? रुको ना रुको उधर ही। अब पहले जैसा दर्द नहीं है ना? दर्द और बढ़ गया है। ये हो ही नहीं सकता बाबूजी। अरे बबीता जी का हाथ लगे और दर्द ना मिटे, आप देखिए दर्द चला गया होगा। अरे गधेड़ा दर्द और बढ़ गया है। देखा तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मेरे नसीब में दर्द ही लिखा है। नहीं दादाजी, अब और दर्द आपके नसीब में नहीं है। मतलब? एक मिनट, अब ये क्या करेगा? ये देखो बापूजी, अच्छे हो गए कैसे? अरे ये सब मेरे टप्पू की वजह से हुआ है। ना ही मेरा टप्पू म्यूजिक बजाता और ना ही दया वो इतना भयानक नाचती और ना ही इसके नाच के डर से मैं खड़ा हो जाता। अरे वाह टप्पू वाह, अरे जो कोई नहीं कर पाया वो मेरे टप्पू ने कर दिखाया। अरे मेरे लाल आवतरे आवतरे। वाह, जिसे बुलाया था प्रॉब्लम सुलझाने के लिए वो खुद ही प्रॉब्लम बन जाए तो जेठालाल क्या करे? अगर बकरी को निकालते निकालते घर में ऊंट घुस जाए तो जेठालाल क्या करे? टप्पू ने चंपक लाल जी की कमर तो ठीक कर दी, पर अब ये दोनों ही मिलके कहीं जेठालाल की कमर न तोड़ दें। अब पता चला कि चंपक लाल जी और टप्पू में इतनी बनती क्यों है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। और कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गांव से आए चंपक लाल जी शहर के तौर तरीकों और रंग ढंग में किस तरह से ढलते हैं आप और हम मिलके देखेंगे अगले एपिसोड में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.